हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम रिपेयर करने वाले हैं, ये हमारे पास एक टीवी है जो आप देख रहे हैं, समसुई, मतलब ये असेंबल की हुई टीवी है, लोकल है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो इसको हमने लगा दिया है पावर में, देख सकते हैं पावर रेडी, यहाँ पे ये जलने लगी है। तो इसमें जो है कि फॉल्ट आप देखिए, लाइट आ गई है समसुई, ये देख सकते हैं पिक्चर पूरी है, लेकिन ऊपर से ये जो है कि इतना कटा हुआ है पिक्चर, और हिल भी रही है, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को आज हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इस टीवी को ओपन कर लेंगे, तो पावर को निकाल लेते हैं और चलिए टीवी को ओपन करते हैं। एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हुई है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हम इसके स्क्रू को खोल रहे हैं क्योंकि एक हाथ से स्क्रू खोलने में दिक्कत होगी, तो चलिए स्क्रू को खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो फिर दोस्तों, हमने इस टीवी को ओपन कर लिया है, तो अब हम लगाएंगे इसमें पावर को, लगा देते हैं पावर इसमें हम। तो यहाँ पे लगाया हमने पावर, ये रहा बोर्ड हमारा। तो चलते हैं फिर, सबसे पहले तो इसकी हम सप्लाई चेक करेंगे, जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है इसमें जो है कि सप्लाई कम है। तो सबसे पहले मीटर को हमने रख लिया है 200 वोल्ट पे, यह रहा हमारा मीटर। आज का ये वीडियो डिजिटल मीटर पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राउंड हमने रख दिया है और जो है कि कैमरा हाथ में पकड़ के आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार यह वीडियो बन रही है, हो सकता है आगे भी बने। तो ये रहा मीटर और ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमको 110 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, तो 106 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमको मिल रही है। थोड़ा सा सप्लाई हम बढ़ा के देख लेंगे डिस्प्ले पे, क्या कोई अंतर हो रहा है। तीन तार की सप्लाई लगी है चाइना की, तो सबसे पहले हम जो है कि सप्लाई को हल्का सा बढ़ाएंगे, तो मैं दिखाता हूँ कैसे यह सप्लाई बढ़ेगी आपकी। दोस्तों, जो है कि अगर ये तीन तार की सप्लाई नहीं लगी होती, तो यहाँ पे लगा हुआ है एक प्रीसेट, यहाँ से आप इसको बढ़ाते सप्लाई को, और सप्लाई लगी हुई तो यहाँ से ये सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से हल्का सा घुमा देंगे, ठीक है दोस्तों, घुमाते हैं इसको, हम देख सकते हैं 111 वोल्ट हो चुका है। आगे डिस्प्ले पे हम देखते हैं, फिर भी देखिए दोस्तों वही कंडीशन है अभी तक टीवी में। थोड़ा सा दूर करेंगे तब आपको और अच्छी तरह दिखाई देगा, देखिए। तो यह जो है कि फॉल्ट सप्लाई से नहीं है, ये देख सकते हैं सप्लाई हमने कम की, फिर वैसे ही हो गया जैसे था। सप्लाई अधिक करने से यह देख सकते हैं पिक्चर और ज़्यादा लाइनिंग में बन जा रही है। तो 106 वोल्ट की सप्लाई थी, तो इसको हम 106 वोल्ट की सप्लाई में एडजस्ट कर देते हैं फिर, तो देख सकते हैं 106 वोल्ट की सप्लाई ये हो गई फिर रेडी। तो इसमें है कोई कैपेसिटर लीकेज वर्टिकल सेक्शन का, ये इस सेक्शन में वर्टिकल सेक्शन, ये सब का कैपेसिटर लगे हुए हैं। जो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे, इसके ऊपर हमें कैपेसिटर और मतलब लगा के चेक कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो पावर निकाल लेते हैं, और आज जो है कि स्टैंड हमारा अभी इस समय कहीं दिख नहीं रहा है हमको, कहीं भी चला गया है कि वीडियो काफ़ी दिन बाद बन रही है, तो मैं स्टैंड पर मोबाइल को रख नहीं सकता, इसलिए जो है कि मैं वीडियो पॉज कर दूंगा। तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा यह फॉल्ट कहाँ से है, तो सबसे पहले मैं चेक कर लूँ फॉल्ट कहाँ से है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ। फ़िलहाल जहाँ तक है कि ये कोई कैपेसिटर ही इसमें से लीकेज है, ठीक है। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो फिर दोस्तों, अब हम इस सर्किट को जो है कि चेक कर रहे हैं, तो ये जो है कि हम मीटर को रखेंगे 200 वोल्ट पे डीसी। अब ये ग्राउंड की वायर जो है पिक्चर ट्यूब के अर्थ पे लगा देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास पॉजिटिव वायर मीटर का, यहाँ से हम वर्टिकल पे सबसे पहले जो है कि सप्लाई चेक करेंगे, ये 23 वोल्ट हमको जो है मिल रहा है, और इन दोनों
पिनों के बीच में ऊपर नीचे बीच का पॉइंट ग्राउंड है, इन दोनों में 1 वोल्ट का डिफरेंस होता है। देखते हैं कितना डिफरेंस है। तो ये देख सकते हैं 23.8788, और ये जो है 23.2345। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ़िलहाल एक हम यहाँ से जो एक सबसे पहले इसी पे हम डार्ट डार्ट जो है डार्ट से ही ये देख सकते हैं ये डिफरेंस क्या आता है, 23.4 वोल्ट और ये 23.78 वोल्ट। ये डायोड से ही जो है कि इन वोल्टेज का ही डिफरेंस किया जाता है। और यहाँ पे ये कैपेसिटर लगे हैं और इन पर हम 1035 मतलब 1000 MFD, और आपको जो है कि UF मिलेगा 1000 UF, 35 वोल्ट, 25 वोल्ट ऐसे, लेकिन हम लोग MFD कहते हैं, लेकिन UF होता है। MFD आपको AC कैपेसिटर मिलेगा, ठीक है, 1035। इसको हम शॉर्ट के देखेंगे इन सप्लाइयों पे। तो ये रहा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मैं डिस्प्ले पे देखता हूँ तो दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और चेक करने में भी। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले अब मैं इस फॉल्ट को चेक ही कर लूँ कहाँ से है, डायरेक्ट आपको फॉल्ट दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो फिर दोस्तों हमने इस फॉल्ट को चेक किया और जो है कि फॉल्ट में हमको ज़्यादा कुछ नहीं मिला, मात्र एक रेजिस्टेंस ओपन है। IC भी सही है, कैपेसिटर भी सब सही है, बस एक रेजिस्टेंस जो है ओपन है। मैं आपको बता दूं कौन सा रेजिस्टेंस इसमें ओपन है। इसमें यहाँ से जो है कि ये देखिए, ये जो है यहाँ से लेके जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है, जिसका नंबर है 3.9 के, मैं आपको दिखा दूं, अभी भी फॉल्ट उसी तरह है। मैं आपको फॉल्ट भी सही करके दिखाऊंगा। ये रेजिस्टेंस जो है ओपन है, काफ़ी देर खोजने के बाद यह फॉल्ट मिला, ठीक है। तो इसको चेक करके देखते हैं। अब 3.9K का रेजिस्टेंस इस समय हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, तो मैं जो है कि इसको चेक करने के लिए एक 2.2K और एक 1K का रेजिस्टेंस, ये देख सकते हैं सीरीज में, इसको जोड़ लिया है। अब मैं इस पे जो है कि जोड़ के दिखाऊंगा आपको, देख सकते हैं फॉल्ट अभी उसी तरह है। अब जो है सबसे पहले मैं इसको जोड़ लूँ, स्टैंड नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत है। पहले जोड़ लेता हूँ फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो फिर दोस्तों देख सकते हैं मैंने इस रेजिस्टेंस को वहाँ पे जोड़ लिया है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ डिस्प्ले पर, ये देख सकते हैं पिक्चर थोड़ी फैल गई है, तो मैं आपको बता दूँ पिक्चर क्यों फैली है। तो फिर दोस्तों जो है कि मैं बता दूं, यह जो है कि पिक्चर जो फैली हुई है, यह क्यों फैली हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये 3.2K का रेजिस्टेंस जो सीरीज करके बनाया हुआ है, ये 2.2K और 1K मिला के 3.2K हो गया है, और नीचे जो लगा है 3.9K, यह पूरी तरह से लीकेज नहीं है, मतलब पूरी तरह ख़राब नहीं, हल्का लीकेज है, मतलब और करंट पास कर रहा है लेकिन पूरी तरह नहीं कर पा रहा है पास। तो अगर हम इसकी सप्लाई को बंद कर दे रहे हैं जो है कि ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मैं जो है कि इसको अब कट करने वाला हूँ इस रेजिस्टेंस को, फिर उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ। सप्लाई हमने निकाल दिया है टीवी का, ये मैं काट लूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है काटने में, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये रेजिस्टेंस हमने कट कर लिया है, अलग हो गया है, ठीक है। अब मैं इसमें लगाने वाला हूँ पावर सप्लाई, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सीधा कर लें, फिर उसके बाद इसको उस तरफ से अच्छी तरह से लगा दीजिएगा। अगर आप में भी फॉल्ट है, फिलहाल सब टीवी में एक ही जैसा फॉल्ट नहीं होता, बस एक ये है कि दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से हो सकता है इससे भी फॉल्ट। देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब जो पिक्चर फैली हुई तो फैली भी नहीं है, और ये भी ऑटो जो लिखा है ये भी बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है दोस्तों। हल्का सा इसमें ये है, तो जो 3.3K जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है वहाँ पे 3.9K लग जाएगा, तो ये फॉल्ट सही हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही।
तो दोस्तों, अगर आप चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।